अरे राहुल भैया, ले लो करेला हमारे यहाँ, ले लो करेला, बहुत अच्छा करेला मैंने बेच रहा हूँ। अभी अभी मैंने अपने खेतों से बिल्कुल अच्छे अच्छे और हरे भरे करेले, मीठे मीठे करेले अभी मैंने तोड़ा है। ले जाओ हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे करेले और घर पे सब्जी बनवाओ, सब्जी के साथ भरुआ भी बनवाओ, मज़ा बहुत आता है खाने में। ले जाओ हमारे, कितना अच्छी सब्जी मोदी जी भी नहीं बेच पाते, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हमारे साइड में आकर के। मुझे तो थोड़ा थोड़ा जलन होने लगती है जब मेरे साइड में टोकरा लाकर आ जाते हैं तो। अरे योगी जी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, एक बात बताओ मुझे, भला करेले मीठे होते हैं क्या? अपना माल बेचने के लिए, अपनी सब्जी बेचने के लिए इतना झूठ बोले जा रहे हो? अरे इतना झूठ नहीं बोला जाता है, ऊपर वाले से भी डरा जाता है। ये थोड़ी है कि मेरी सब्जी ना बिके तुम्हारी सब्जी बिक जाए। अरे ऐसा मत करो यार, मैं भी आया हूँ यहाँ पे रोजी रोटी के लिए, तो अपनी सब्जी के लिए पड़े हुए हो बिल्कुल एकदम, ऐसी काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। एक तो साथ लेकर आते हो फिर अपनी सब्जी बेचने में लग जाते हो। अरे राहुल भैया, हमारे यहाँ सब्जी लो, मीठी मीठी भी सब्जी हमारे यहाँ तैयार होती है, हरी भरी, ले जाऊँ तो बहुत अच्छी तोड़ी में बेच रहा हूँ। इतना ही बताए मैंने, 10 टोकरा सुबह से बेच रखा हूँ, फटाफट ले लो मेरे पास, इस करेले के चक्कर में मत मड़ो। अरे मोदी चचा, अपना तुमने रंग दिखा दिया है, अपना रंग दिखा दिया तुमने। अब बताओ मेरे साथ में तुम सब्जी बेचने आए हो, अब मेरे पास राहुल ले रहा है करेला तो तुम कह रहे हो मेरे पास आ जाओ, ये कौन सी बात अच्छी होती है? ऐसी बात मत किया करो, ये भी बहुत बुरी बात है। अब बताओ मेरे यहाँ पे जब सब्जी राहुल ले रहा है तब तुम कहाँ इतना वो कर रहे हो? तुम्हारा नहीं बिक रहा है तो वापस ले जाओ घर पे, हमारे यहाँ क्यों, इनके पास मत लेना इनके पास सब्जी। अरे देखो देखो योगी, तुम्हें बता ही दे रहा हूँ, जहाँ पे राहुल का मन होगा वहां पे सब्जी लेगा। तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे करेले वैसे भी अच्छे नहीं, 4 दिन के रखे हुए हैं। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, ये एक बात बता दो हमको, ये बताओ हम लोग इतनी देर से साइकिल चला रहे हैं, 25 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं, 25 किलोमीटर, अब बताओ अब कहाँ चलेंगे, अपना घर बनाएंगे? अरे कहीं पे हम अपना टेंट लगा कर रहेंगे, लेकिन कोई अच्छी जगह आपने देखा है कि नहीं देखा है? इतनी देर से चलते चलते पैर दर्द करने लगे हैं, अब तो मन यही करता है कि यहीं पर बैठ जाएं। बताओ क्या बना दिया ऊपर वालों ने, हम लोगों को घर भी नहीं दिया, अब बताओ क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं, किधर भटके, थोड़ा बताओ कहां पे चले, यहीं पे रुक जाते हैं, यहीं पे कहीं अपना घर बना लेते हैं रोड किनारे, क्या कर सकते हैं और। अरे देखो योगी जी, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ तुम्हारी बात, 25-26 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, पैर तो दर्द ही करेगा, उसमें कहने वाली बात थोड़ी है, लेकिन क्या करें जब हम लोगों के पास घर नहीं है तो कहीं पे देख करके जगह तो रहना पड़ेगा ना। अब बताओ कहाँ पे रहें हम लोग, फुटपाथ पे अगर यहाँ पे घर बनाएंगे तो वहाँ की पुलिस रोकने लगती है, तो हम लोग क्या कर डालें, कहाँ पे अपना घर बनाएं? तो ऐसे धीरे धीरे चलते रहो, ऊपर वाले का मन होगा तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये बात बताऊं कि हम लोग अगर रोड किनारे सोते हैं तो कुछ भी हो सकता है, चलो कहीं धीरे धीरे चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगा, ऐसे ही सोच लो, अखिलेश धैर्य रखो, कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, ठीक है, परेशान मत हो। अरे मोदी जी, कब जगह मिलेगी, कब जगह मिलेगी, पैर बहुत दर्द करने लगे हैं, ऊपर से इतनी सारी लोडिंग है साइकिल पे, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे से आगे बिल्कुल नहीं चला जाता, बहुत थक गया हूं, तो मेरा मन करता है कहीं आसपास जगह देख लो और कहीं पे यहीं पे अपना बिजोरा बिस्तरा लगा कर सो जाते हैं, और क्या कर सकते हैं, इतनी सारी ठंडी हो रही है और इतना सारा पैर दर्द करने लगा है, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरा मन यही कहता है मोदी जी कि इधर ही कहीं आसपास में जगह देख करके अपना बोरिया बिस्तरा लगा करके सो जाते हैं, रात गुजार लेते फिर चलते। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश भैया, अरे अखिलेश भैया, रोको अपनी गाड़ी, थोड़ा गाड़ी रोको, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। दरअसल क्या हो गया है कि मेरे बुलेट में तेल ख़त्म हो गया है, मेरे बुलेट में तेल ख़त्म हो गया, थोड़ा अपने इस 3 पहिया गाड़ी में उसे टेचन कर लो और टोचन करके वहाँ तक पहुँचा दो, 3 किलोमीटर है, इतनी में मदद कर दो मेरी। अरे या तो राहुल तुम कर दो या योगी जी तुम कर दो, इतना कर दो मेरा थोड़ा सा हेल्प, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी पे साधन नहीं मिल रहा है, अकेला बैठा हूं जंगल के साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करके, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। चलो भाई अखिलेश, थोड़ा कर लो इतना काम।
अरे मोदी जी, ये मेरी गाड़ी तुम्हारे बुलेट को कैसे खींचेगी? तुम्हारी गाड़ी कहाँ खींच पाएगी? मैं तो पैरों से चला रहा हूँ, इसमें कौन सा पेट्रोल पड़ रहा है? तो ये एक बात मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना सारा सामान और रजाई और एक सवारी देखो मेरे गाड़ी के पीछे बैठी है, अब मैं इतने लोगों को छोड़ूंगा वहाँ तक? मैं तो बिल्कुल भी आपकी बुलेट गाड़ी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं खींच नहीं सकता इतनी वजन गाड़ी। इतनी वजन गाड़ी केवल यार राहुल ले जा सकता है, मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास सवारी है, योगी और राहुल के पास कोई सवारी नहीं है। ये तुम्हारी गाड़ी आराम से ले जा सकता है, इससे बात कर लो, मेरे बस की तो बात नहीं। अगर ये करता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहीं बैठना पड़ेगा आज। अरे मोदी जी, मैं बिल्कुल भी नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान मेरे इस 3 पहिया गाड़ी में लोड है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी ये पैडल से चलती है, ये अखिलेश हमें खामो खां का फंसा रहा है। मैं तो कोई सवारी नहीं बैठाता हूँ, थोड़ा बहुत सामान लोड करता हूँ, वह इतना ही ले जाता हूँ, लेकिन योगी के गाड़ी में कोई सामान नहीं है। योगी जी आपको पहुँचा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा करो योगी जी, मोदी जी की गाड़ी टोचन करके वहाँ पहुँचा दो 3 किलोमीटर, इतना हेल्प कर दो। अरे भैया मोदी, हमरा बात सुनो, देखो हम तो ले जाएंगे तुम्हारी गाड़ी, लेकिन एक बात हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी की गाड़ी ले जाऊं या कोई भी सामान ले जाऊं 100 रुपए लेता हूं 1 किलोमीटर का। रखो गाड़ी भाई लोग, वीडियो